गया। एक दिन सारथी के साथ कपिलवस्तु की सड़कों पर राजकुमार चल रहे हैं। एक बीमार आदमी तड़प रहा है। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठता है कि ये क्या है? कोई प्रज्ञा है? भीतर का संज्ञान। भीतर से उत्तर मिलता है, रोग से छटपटाते हुए आदमी का दर्द। ये एक अनिवार्य है। सिद्धार्थ गौतम के मन में ये बात बैठती रहती है कि रोग ही दुख है। फिर भी चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक झुकी हुई कमर वाला लाठी टेकता हुआ झुर्रियों से भरा उदास चेहरा, लड़खड़ाते पांव खिसक रहा है, चल रहा है। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठता है, ये क्या है? ये क्यों है? खुद उनके भीतर संज्ञान की किसी दिशा से ये बोध होता है, जरा ही दुख है। सिद्धार्थ चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखते हैं कि बहुत से लोग उदास आंखें भरे हुए बांस के सजे बजे एक अनगढ़ पर कंधा लगाए किसी को ढके हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठता है, ये क्या है? उत्तर है, आदमी की नियति, मृत्यु, अतः दुख। सिद्धार्थ गौतम ने जान लिया कि सब कुछ क्षणिक है। सिद्धार्थ लौटते तो जरूर हैं, लेकिन सदैव के लिए राजभवन से बाहर रह जाते हैं। केवल देह मात्र लौटती है।